मॉर्निंग एवरीवन, आज के इस लेक्चर में हम क्वांटम मैकेनिक्स को ही कंटिन्यू रखेंगे और आज का हमारा जो टॉपिक है वो पोटेंशियल स्टेप के ऊपर रहने वाला है। और ये टॉपिक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये काफी टाइम एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो नाम से ही स्टार्टिंग करते हैं, हमने बोला है यहाँ पे पोटेंशियल स्टेप। पोटेंशियल स्टेप का मतलब है यहाँ पे हम जो पोटेंशियल लेके चलेंगे वो एक स्टेप के जैसा पोटेंशियल हम यहाँ पे लेके चलते हैं। तो स्टेप के जैसा पोटेंशियल मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ, ये मैंने यहाँ पे स्टेप के जैसा पोटेंशियल कंसीडर कर लिया और ये मेरे पास पोटेंशियल क्या है, V of x है। ठीक है, इस पॉइंट के ऊपर मैंने पोटेंशियल कितना बोल दिया, V not बोल दिया, इसको मैंने बोला रीजन वन और इसको मैंने बोला रीजन सेकंड। ठीक है, और ये मैंने बोल दिया x और इस पॉइंट को मैंने बोला जीरो। ठीक है, अब पोटेंशियल स्टेप के अंदर बेसिकली दो केस रहते हैं। जो फर्स्ट केस रहता है, फर्स्ट केस में क्या होता है, अपने पास जो पार्टिकल होता है पार्टिकल की एनर्जी हम ये लेके चलते हैं। ठीक है, और पार्टिकल की एनर्जी जो है वो E लेस देन होता है किसे, V नॉट से। मतलब जो अपने पास पोटेंशियल होता है, पोटेंशियल क्या होता है, ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू पार्टिकल की एनर्जी। पर ये वाला जो केस है वो हम ऑलरेडी पहले वाले लेक्चर्स के अंदर स्टडी कर चुके हैं। तो आज हम किस दूसरे केस की बात करेंगे और दूसरे केस में क्या होगा, जो पार्टिकल की जो एनर्जी है वो ज्यादा होगी किसे, पोटेंशियल से। तो पार्टिकल अपने पास कहीं यहाँ पे होगा और उस पार्टिकल की जो एनर्जी है वो ये रहेगी। ठीक है, तो ये जो सेकेंड वाला जो केस है ये हम आज के लेक्चर में स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, तो फर्स्ट रीजन में अपने पास पोटेंशियल क्या है, फर्स्ट रीजन में अपने पास पोटेंशियल है जीरो और सेकेंड रीजन में जो पोटेंशियल है वो कितना है, ये है अपने पास V of x equal to कितना है, V not। ठीक, तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि अपने पास फर्स्ट रीजन में पार्टिकल बाउंड होगा या फिर अनबाउंड होगा। तो पार्टिकल बाउंड है या अनबाउंड है इसके ऊपर हम बात कर लेते हैं दोनों रीजन के अंदर। और बात करने से पहले मैं एक बार ये जो पोटेंशियल हमने लिखा है इस पोटेंशियल को हम यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, तो पोटेंशियल क्या है अपने पास, ये है V of x, पोटेंशियल जीरो है। कब, रीजन फर्स्ट की अगर मैं बात करूं तो पोटेंशियल क्या है अपने पास, जीरो है। x लेस देन है किसी जीरो से, x कम है जीरो से, तब कितना है पोटेंशियल, जीरो है। और V not पोटेंशियल कब है, जब x ग्रेटर देन है या फिर ग्रेटर देन इक्वल टू है किसी जीरो से, उस केस में अपने पास पोटेंशियल कितना है, V not है। ठीक है, अब केस क्या है अपने पास, केस सेकेंड। और केस सेकेंड में क्या है, पार्टिकल की जो एनर्जी है वो ज्यादा है और जो पोटेंशियल है वो क्या है, कम है। ठीक है, ये वाला केस अपने को यहाँ पे सोल्व करना है। अब बात करते हैं यहाँ पे पार्टिकल बाउंड होगा या अनबाउंड होगा रीजन फर्स्ट के अंदर और सेकेंड के अंदर। रीजन फर्स्ट की अगर मैं बात करूं तो अपने पास पोटेंशियल कितना है, जीरो है। अब अगर पोटेंशियल जीरो है तो मैं बोल सकता हूँ कि रीजन फर्स्ट में ऐसा कोई भी पोटेंशियल नहीं है जो पार्टिकल को बाउंड कर पाए। और जब पार्टिकल बाउंड नहीं होता है, अनबाउंड पार्टिकल होता है, तो पार्टिकल की एनर्जी कैसी रहती है, कंटिन्यूस रहती है। ये हम ऑलरेडी पहले वाले लेक्चर्स के अंदर पढ़ चुके हैं। तो जब एनर्जी इस पार्टिकल, यहाँ भी पार्टिकल क्या है, फ्री पार्टिकल, और उस फ्री पार्टिकल की जो एनर्जी है वो कंटिन्यूस है। और जब कंटिन्यूस एनर्जी होती है तो हम एनर्जी को कैलकुलेट नहीं करते। ठीक है, अब सेकेंड रीजन की बात करूं तो पार्टिकल जैसे ही सेकेंड रीजन में आएगा तो सेकेंड रीजन में भी अपने पास क्या है, फाइनाइट पोटेंशियल है। और फाइनाइट पोटेंशियल के साथ साथ पार्टिकल की जो एनर्जी है वो उस पोटेंशियल से ज्यादा है। ठीक है, तो सेकेंड रीजन में भी पार्टिकल अपने पास कैसा है, अनबाउंड पार्टिकल है। या फिर मैं ये बोल सकता हूँ कि सेकेंड रीजन में ऐसा कोई पोटेंशियल नहीं है जो पार्टिकल को बाउंड कर पाए। ठीक है, जैसे अपने पास इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल के अंदर होता था, तो जो ये वेल है, इस वेल की जो डेप्थ है वो कितना होती थी, इनफाइनाइट होगी। तो पार्टिकल क्या होता था, इसके अंदर ट्रैप हो जाता था। पार्टिकल ट्रैप होता था तो इसकी जो एनर्जी है वो क्या रहती थी, क्वांटाइज रहती थी। क्वांटाइज इसलिए रहती थी क्योंकि ये पार्टिकल बाउंड स्टेट में है। पर यहाँ पे पार्टिकल क्या है, अनबाउंड स्टेट में है। अब अगर पार्टिकल अनबाउंड स्टेट में है तो हम यहाँ पे एनर्जी कैलकुलेट नहीं करेंगे। अब एनर्जी कैलकुलेट नहीं करेंगे तो कैलकुलेट क्या करने वाले हैं, इसके ऊपर भी थोड़ा सा बात करते हैं। तो अब पार्टिकल रीजन फर्स्ट से जब रीजन सेकंड के अंदर आएगा तो यहाँ पे बेसिकली दो पॉसिबिलिटी है। दो पॉसिबिलिटी क्या है कि पार्टिकल आए, ठीक है, यहाँ पे ये जो पोटेंशियल इस पोटेंशियल से टकराए, या तो टकरा के वापिस चला जाए या फिर पोटेंशियल को पेनिट्रेट करके आके आ जाए या ट्रांसमिट करके आके आ जाए। तो यहाँ पे दो केस बनेंगे अपने पास। पहला जो केस है वो रिफ्लेक्शन का हो सकता है और सेकंड केस किसका हो सकता है, ट्रांसमिशन का हो सकता है।
ठीक है, तो अपन इन दोनों पोटेंशियल को, विनोद पोटेंशियल को और सॉरी फर्स्ट रीजन में कैसा पोटेंशियल है, जीरो पोटेंशियल है, और यहाँ पे विनोद पोटेंशियल, तो इन दोनों पोटेंशियल को मैं श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की हेल्प से सोल्व कर लेता हूँ। और यहाँ पे हम बात किसकी करेंगे, रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट की बात करेंगे और ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट की बात करेंगे। ठीक है, एनर्जी की बात इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि यहाँ पे एनर्जी क्या है, कंटिन्यूअस है, और जब कंटिन्यूअस एनर्जी होती तो हम एनर्जी को कैलकुलेट नहीं करते। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे यूज करेंगे किसका, यूजिंग टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन, यूजिंग टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। अब टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन क्या होती है, अपने पास ये होती है, कर्ली स्क्वायर साई बाय कर्ली एक्स स्क्वायर प्लस 2m बाय एक्स का स्क्वायर e माइनस v साई साई ऑफ x इक्वल टू 0। अब फर्स्ट रीजन के लिए है तो मैं यहां पे लिख दूंगा साई फर्स्ट, और यहां पे भी क्या लिख दूंगा, साई फर्स्ट लिख दूंगा। फर्स्ट रीजन में क्या है, यहां पे लिख देता हूं रीजन फर्स्ट, रीजन फर्स्ट, और रीजन फर्स्ट में अपने पास जो पोटेंशियल है वो कितना है, जीरो है, तो ये जीरो पोटेंशियल की वैल्यू मैं यहां पे पुट करूंगा श्रोडिंगर इक्वेशन के अंदर, तो अपने पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा कर्ली स्क्वायर साई बाय कर्ली एक्स स्क्वायर प्लस 2m बाय एक्स का स्क्वायर, v की जगह जीरो रखूंगा तो क्या आ जाएगा, e बच जाएगा, ये हमने यहां पे रखा e, और ये साई फर्स्ट और ये फंक्शन ऑफ x इक्वल टू 0। ठीक है, यहां पे भी हम क्या लिख देते हैं, साई फर्स्ट लिख देते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, ये जो 2m e by x का स्क्वायर है इसको हम पुट कर देते हैं, और इसको हमने पुट कर दिया k, k क्या है यहां पे वेव वेक्टर, कर्ली स्क्वायर साई बाय कर्ली x स्क्वायर प्लस k स्क्वायर साई फर्स्ट, यहां पे भी साई फर्स्ट इक्वल टू क्या 0, इसको हमने बोल दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब ये वाली जो इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये अपने पास एक सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, और इस सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का हम जो यहाँ पे सॉल्यूशन लेके चलेंगे वो सॉल्यूशन क्या होगा, ये सॉल्यूशन ले लिया और यहाँ पे वेयर के इज लिख देते हैं, वेयर के इज, के की जो वैल्यू हो क्या रहेगी, के इक्वल टू ये रहेगा 2m e by h का स्क्वायर और अंडर द रूट, ये वाली किसकी वैल्यू रहेगी, k की वैल्यू रहेगी, इसको हमने बोल दिया इक्वेशन नंबर स्मॉल a। ठीक है, अब इसके सॉल्यूशन की बात करूं तो मैं यहां पे इट्स सॉल्यूशन, तो हमने इसका सॉल्यूशन ले लिया जो इक्वेशन नंबर 1 है, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, इसका सॉल्यूशन लिया हमने साई फर्स्ट a e की पावर आयटा k x प्लस b e की पावर माइनस आयटा k x। ठीक है, अब ये जो a e की पावर आयटा k x और b a की पावर आयटा k x, ये फिजिकली क्या रिप्रेजेंट करके बता रहे हैं अपने को, इसके ऊपर हम थोड़ा सा बात करते हैं। ठीक है, अब ये जो a e की पावर आयटा k x है, यहाँ पे जो वेव वेक्टर है वो क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है, और वेव वेक्टर पॉजिटिव है तो यहाँ पे ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि अपने पास पोटेंशियल, तो प्लस के रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो पार्टिकल है वो अपने इस पोटेंशियल की तरफ आ रहा है, इंसिडेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है ये प्लस के। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, बी ए की पावर माइनस आईटा के एक्स, मतलब माइनस के है, माइनस के किसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये इस पोटेंशियल से टकरा के रिफ्लेक्ट होके ये वापस जा रहा है, तो ये वाला जो पार्ट है वो किसको रिप्रेजेंट करके बता रहा है, इंसिडेंट पार्ट ऑफ वेव फंक्शन को रिप्रेजेंट करके बता रहा है रीजन फर्स्ट के अंदर, और जो बी ए की पावर आईटा के एक्स है ये फिजिकली किसको रिप्रेजेंट करके बता रहा है, रिफ्लेक्टेड पार्ट ऑफ वेव फंक्शन को रिप्रेजेंट करके बता रहा है। ठीक है, अब ये हम लिख भी देंगे थोड़ा सा आगे चलने के बाद कि कौन सा पार्ट किसको रिप्रेजेंट करके बता रहा है। उसके बाद ये तो बात थी किसकी, फर्स्ट रीजन की, अगर मैं बात करूं रीजन सेकंड की, और इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन नंबर 2। इस इक्वेशन का भी हम आगे चल के यूज करने वाले हैं, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो रीजन सेकंड के लिए सॉल्व करते हैं श्रोडिंगर इक्वेशन को, इन रीजन सेकंड, रीजन सेकंड, सेकंड रीजन में अपने पास जो पोटेंशियल है वो कितना है, वी नॉट है, तो वी ऑफ एक्स क्या जाएगा, वी नॉट आ जाएगा श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के अंदर, फिर से इसकी वैल्यू पुट करता हूं, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देता हूं, क्या जाएगा कर्ली स्क्वायर साई सेकंड, फर्स्ट रीजन में अपना जो वेव फंक्शन था वो कितना था, साई फर्स्ट था, सेकंड रीजन में जो वेव फंक्शन है उसको हमने क्या लिख दिया, साई सेकंड लिख दिया। ठीक है,
कर्ली एक्स स्क्वायर प्लस टू एम बाय एक्स का स्क्वायर ई माइनस वी नॉट साइन ऑफ एक्स साइन सेकंड, बार बार एक्स नहीं लिख रहे, साइन किसका फंक्शन है, एक्स का फंक्शन है, ठीक है, इक्वल टू क्या लिखा हमने इसको, जीरो लिख दिया, ठीक है। अब ये वाला जो टर्म है इसको हम पुट कर देते हैं क्या, कर्ली स्क्वायर साइन बाय कर्ली एक्स स्क्वायर प्लस के प्राइम, और यहाँ पे क्या है साई, के प्राइम का स्क्वायर और यहाँ पे साई सेकंड और इक्वल टू जीरो, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या पुट किया था, के पुट किया था, और यहाँ पे हमने क्या पुट किया है, के प्राइम पुट किया। इसके ऊपर थोड़ा सा बात करते हैं। इनिशियली अपने पास पार्टिकल, ये पार्टिकल आ रहा है, ठीक है, पार्टिकल आ रहा है, इसका जो वेव वेक्टर है उसको हमने क्या बोला, के बोला, ये अपने पास क्या आ रहा है, पार्टिकल आ रहा है इस टाइप से, ठीक है, इस टाइप से पार्टिकल आ रहा है। अब पार्टिकल इस पोटेंशियल को, इस पोटेंशियल से ट्रांसमिट होकर जब आगे जाएगा, तो पार्टिकल की यहाँ पे जो वेवलेंथ थी, वो वेवलेंथ क्या थी, यहाँ पे लैम्डा थी, ठीक है, और वेव वेक्टर क्या था, अपने पास के था। अब जैसे ही आगे जाएगा तो पोटेंशियल, इसका जो एम्पलीट्यूड है वो तो यही रहेगा, पर इसकी जो वेवलेंथ है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। इस यहाँ पे जो वेवलेंथ है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। यहाँ पे वेवलेंथ क्या थी, लैम्डा, यहाँ पे क्या बोल दिया, लैम्डा प्राइम, यहाँ पे वेव वेक्टर क्या था, के, यहाँ पे वेव वेक्टर क्या बोल दिया, के प्राइम बोल दिया, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि के और के प्राइम यहाँ पे क्या है, ठीक है, और किस बात को रिप्रेजेंट करके बता रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात और है, जो के प्राइम है ये बड़ा रहेगा किसे, के से, और जो वेवलेंथ है, ठीक है, एक सेकेंड, के प्राइम स्मॉल रहेगा किसे, के से, सेकेंड रीजन में जो वेव वेक्टर है वो स्मॉल रहेगा के से, और जो वेवलेंथ है सेकेंड रीजन की वो क्या रहेगी, ग्रेटर देन रहेगी फर्स्ट रीजन की वेवलेंथ से। यहाँ पे वेवलेंथ क्या है, ज्यादा है, और यहाँ पे वेवलेंथ क्या है, कम है, एम्पलीट्यूड क्या रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है। अब ये हमने क्या लिया है, सेकेंड रीजन के लिए लिया है, इसको थोड़ा सा और आगे सोल्व करते हैं, तो यहाँ पे लिख देते हैं वेयर के प्राइम इज, वेयर k प्राइम इज क्या है, ये अपने पास 2m by h का स्क्वायर e माइनस v नॉट और अंडर द रूट, ये अपने पास किसकी वैल्यू, k प्राइम की वैल्यू, इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन नंबर b, स्मॉल b से हमने इसको डिनोट कर दिया। अब अपने पास ये क्या है, ये भी एक सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। अब जो सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है इसका भी हम क्या लेके चलेंगे, एक सॉल्यूशन लेके चलेंगे, इसका जो सॉल्यूशन होगा अपने पास वो क्या हो जाएगा, इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, वेयर इट्स सॉल्यूशन इज, इट्स सॉल्यूशन इज, और ये हमने लिखा साई डबल एक्स का फंक्शन है, और ये लिखा सी ई की पावर आईटा के प्राइम एक्स प्लस d e की पावर माइनस आईटा के प्राइम x, ठीक है। ये हमने इसका सॉल्यूशन ले लिया, इसको हमने बोल दिया इक्वेशन नंबर थर्ड, ये है अपने पास इक्वेशन नंबर थर्ड, ठीक है। अब इक्वेशन नंबर थर्ड में ये c e की पावर आईटा के x क्या रिप्रेजेंट करके बता रहे हो, ये वाले क्रम क्या रिप्रेजेंट करके बता रहे, इसको भी बता देता हूं। तो ये हमने लिखा है c e की पावर आईटा के प्राइम x, ठीक है। ये वाला किसको रिप्रेजेंट करके बता रहा है, ये वाला ट्रांसमिशन को रिप्रेजेंट करके बता रहा है। ट्रांसमिशन का मतलब क्या है, पार्टिकल इस पोटेंशियल को ट्रांसमिट करके कहां पे आ जाएगा, रीजन सेकंड के अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो c e की पावर आईटा के x, k प्राइम x किसको रिप्रेजेंट करके बता रही है, ये वाली क्रम ट्रांसमिशन को रिप्रेजेंट करके बता रही है। अब जो सेकंड क्रम है d e की पावर आईटा, हमने लिखा d e की पावर माइनस आईटा के प्राइम x, ये किसको रिप्रेजेंट करके बता रही है, ये रिफ्लेक्शन को रिप्रेजेंट करके बता रही है। अब पार्टिकल सेकंड रीजन में जब आ चुका है तो ये वापस जाएगा रिफ्लेक्ट होके, नहीं कोई चीज है ही नहीं जिससे पार्टिकल रिफ्लेक्ट होके वापस ना जाए, तो ये वाली जो टर्म है वो अपने पास कितना आ जाएगी, जीरो आ जाएगी, क्योंकि सेकंड रीजन में पार्टिकल जब चला गया तो वो वापस रिफ्लेक्ट होके फर्स्ट रीजन में नहीं जाएगा, ठीक है, और जाने वाले कभी वापस आते भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे भी यही है, पार्टिकल सेकंड रीजन में चला गया तो उसके रिफ्लेक्शन की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो कितना होगी, जीरो होगी। तो हमने d e की पावर माइनस आईटा के प्राइम x को जीरो रख दिया, यहाँ पे जीरो रखेंगे तो अपने पास साई सेकंड क्या मिल जाएगा अपने को, ये हम यहाँ पे कर रहे हैं, ये लिखा साई सेकंड
क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा अपने पास c e की पावर आयता k प्राइम x, ठीक है, ये अपने को देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे अलग अलग बता देता हूँ कौन सा क्या रिप्रेजेंट करके बता रहा है। इसको इक्वेशन नंबर 3 ना बोलते हैं, मैंने इसको बोल दिया इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 पे चलता हूँ। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 में ये जो फर्स्ट वाली जो टर्म है ये क्या रिप्रेजेंट करके बता रही है, इसको लिख देता हूँ यहाँ पे साई फर्स्ट इक्वल टू हमने लिखा और इसके लिए मैं लिखता हूँ इंसिडेंट, इंसिडेंट इक्वल टू क्या ये वाला पार्ट इंसिडेंट वेव फंक्शन को रिप्रेजेंट करके बता रहा था, लिखा a e की पावर आयता k x इंसिडेंट पार्ट ऑफ वेव फंक्शन। ठीक है, और साई सेकंड ये जो है साई फर्स्ट में ही ये किसको रिप्रेजेंट करके बता रहा है, रिफ्लेक्शन को, रिफ्लेक्शन लिख देता हूं और ये आ जाएगा अपने पास b e की पावर माइनस आयता k x। और ये वाला साई सेकंड क्या रिप्रेजेंट करके बता रहा है, साई सेकंड ये ट्रांसमिशन को रिप्रेजेंट करके बता रहा है, ट्रांसमिशन। ठीक है, सी ई की पावर आयटा के प्राइम एक्स। ठीक है, इसको ठीक है ये तीनों ये रिप्रेजेंट करके बता रहा है, साई ये ए ई की पावर आयटा के एक्स साई इंसिडेंट को रिप्रेजेंट करके बता रहा है, बी की पावर आयटा माइनस के एक्स रिफ्लेक्शन को रिप्रेजेंट करके बता रहा है फर्स्ट रीजन के अंदर, साई सेकंड को सी ई की पावर k प्राइम x किसको रिप्रेजेंट करके बता रहा है, ट्रांसमिशन को रिप्रेजेंट करके बता रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जो b इक्वल टू जीरो लिखा है, b इक्वल टू जीरो लिखा है d की पावर माइनस आइटा की x, इसका रीजन हम यहाँ पे लिख देते हैं, देर इज नो प्रोबेबिलिटी ऑफ रिफ्लेक्शन, देर इज नो प्रोबेबिलिटी ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन देर इज नो प्रोबेबिलिटी ऑफ रिफ्लेक्शन इन सेकेंड रीजन, दैट्स व्हाई वी इक्वल टू हमने यहाँ पे क्या लिया है, जीरो लिया है। ठीक है, उसके बाद अगर मैं आगे बात करूं तो यहाँ पे पार्टिकल का फ्लो हो रहा है, हम देख रहे हैं पार्टिकल एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे पार्टिकल का फ्लो हो रहा है। पर जब भी पार्टिकल का फ्लो होता है तो वहां पे किसी भी चीज का फ्लो होता है तो वहां पे हम बात करते हैं प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी की। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे यूज करेंगे प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी। नाउ वी आर यूजिंग प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी बिकॉज पार्टिकल इज फ्लोइंग। ठीक है, अब जो प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी है उसको हमने यहां पे एस से डिनोट कर दिया, ये क्या होती है h kt by m और यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे जो कॉन्स्टेंट है वो रहेगा मोल के स्क्वायर में। अगर मैं इंसिडेंट के लिए लिखूंगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, a का स्क्वायर आ जाएगा, रिफ्लेक्शन के लिए लिखूंगा तो यहाँ पे b का स्क्वायर आ जाएगा, ट्रांसमिशन के लिए लिखूंगा तो c का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो अब मैं प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी इन तीनों के लिए लिख देता हूँ यहाँ। ठीक है, एक बार इसमें थोड़ा सा एक डाल देता हूँ, लिखते हैं प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी एस आई, एस आई बोले तो प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी फॉर इंसिडेंट पार्ट। ठीक है, इंसिडेंट पार्ट के लिए लिखूंगा तो मैं यहां पे क्या जाएगी, क्या जाएगी एच कट के बाय एम और इंसिडेंट के लिए यहां पे क्या जाएगा ए के मोड का स्क्वायर। ठीक है, और रिफ्लेक्टेड पार्ट के लिए लिखूंगा तो एस और आर लिख देता हूं, प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी फॉर रिफ्लेक्टेड पार्ट। ठीक है, या जाएगी एच कट के पाई एम और बी के मोड का स्क्वायर। अच्छा, एक चीज और मैं बता देता हूँ, ये जो प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी का ये जो रिजल्ट लिया है ये हमने डायरेक्ट रिजल्ट लिया है। ठीक है, अगर आप कहोगे तो मैं इसके ऊपर एक लेक्चर अपलोड कर दूंगा जहां पे हम ये रिजल्ट फाइंड आउट करेंगे। ठीक है,
तो एसआर के लिए लिख लिया, अब अगर मैं ट्रांसमिशन के लिखूं तो मैं यहाँ पे आ जाएगा एसपी इक्वल टू आ जाएगा एस्पेक्ट के बाय एम, और यहाँ पे कांस्टेंट क्या है सी, ये आ जाएगा सी के मोड का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी निकाली किसके लिए, इंसिडेंट के लिए भी निकाली, रिफ्लेक्टेड के लिए भी निकाली और एसपी के लिए भी निकाली। अब हमने यहाँ पे बात की थी कि हम एनर्जी तो यहाँ पे कैलकुलेट नहीं करेंगे। ठीक है, एनर्जी कैलकुलेट इसलिए नहीं करने वाले क्योंकि पार्टिकल क्या है अनबाउंड है, पार्टिकल जब अनबाउंड होता है तो वहां पे क्या होता है एनर्जी कंटिन्यूस होती है, और जब एनर्जी कंटिन्यूस होती है तो एनर्जी को कैलकुलेट नहीं करते। तो अब अपने को निकालना है या तो ट्रांसमिशन कोफिशिएंट निकालना है या फिर रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट निकालना है। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे किसकी, रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट की। जब रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट की बात करेंगे तो हम इनका रेशो लेके चलेंगे। ठीक है, जैसे मैं बात करूं किसकी रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट की मैं बात करूं तो रिफ्लेक्टेड पार्ट और इंसिडेंट पार्ट का मैं रेशो लेके चलूंगा तो मेरे पास रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट आ जाएंगे। तो यहाँ पे हम लिखते हैं नाउ रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट, रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट। ठीक है, और रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट को हमने किससे लिखा, आर से लिखा, आर इक्वल टू और ये आ जाएगा अपने पास एस आर बाय एस आई। ठीक है, जो प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी फॉर रिफ्लेक्टेड पार्ट और प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी ऑफ इंसिडेंट पार्ट हमने दोनों का रेशियो लिया, इन दोनों का अगर मैं रेशियो लूंगा एस आई की वैल्यू निकाल रखी है, एस आर की वैल्यू निकाल रखी है, यहाँ पे पुट करूंगा तो क्या आ जाएगा अपने पास, ये अपने को मिलेगा एस एक्सपेक्ट के बाय एम सी, एक्सपेक्ट के बाय एम कैंसिल हो जाएगा, मैं कर देता हूँ एक्सपेक्ट के बाय एम और ये बी के मोड का स्क्वायर डिवाइड बाय एक्सपेक्ट के बाय एम ए के मोड का स्क्वायर, इससे ये वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी, आर इक्वल टू क्या आ जाएगा अपने पास बी बाय ए और कंप्लीट के मोड का स्क्वायर, ये अपने पास क्या आ जाएंगे रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट आ जाएंगे। अब अपना जो टास्क है वो क्या है, यहाँ पे बी बाय ए की वैल्यू निकालेंगे उसके मोड का स्क्वायर करेंगे तो अपने पास रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट आ जाएंगे। ठीक है, ये तो बात हुई रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट की। अब अगर मैं बात करूं किसकी, ट्रांसमिशन कोफिशिएंट की, तो ट्रांसमिशन कोफिशिएंट के लिए क्या जाएगा, एस टी और एस आई का रेशियो ले लेंगे, एस टी और एस आई का रेशियो ले लेंगे। ठीक है, प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी फॉर ट्रांसमिटेड पार्ट और प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी ऑफ इंसिडेंट पार्ट दोनों का रेशियो ले लेंगे तो ट्रांसमिशन कोफिशिएंट आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं ट्रांसमिशन कोफिशिएंट, ठीक है, इसको हमने किससे डिनोट किया, टी से डिनोट किया, टी से डिनोट करूंगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा एस टी बाय एस आई और दोनों की वैल्यू जब यहाँ पे रखूंगा तो क्या मिल जाएगा, टी इक्वल टू अपने को मिलेगा सी का स्क्वायर सी बाय ए के मोड का स्क्वायर, ये अपने को यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, ये किसके लिए है, ये ट्रांसमिशन पार्ट के लिए। तो एक बार आप इसको थोड़ा सा डिनोट कर लीजिए, हम ट्रांसमिशन पार्ट को थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे यहाँ पे। ठीक है, अब अपने से यहाँ पे एक छोटा सा मिस्टेक ये होता है, एस टी हमने लिखा है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी फॉर ट्रांसमिटेड पार्ट और यहाँ पे हमने के लिख लिया। ठीक है, अब के सेकंड रीजन में जो वेव वेक्टर है वो हम यहाँ पे क्या लेके चले हैं, के प्राइम लेके चले हैं, तो यहाँ पे अपने पास क्या आएगा, के प्राइम आएगा, इसमें थोड़ा सा चेंज कर लीजिए, यहाँ पे अब इन दोनों का रेशियो हम लेंगे तो अपने पास क्या आएगा, ये अपने पास यहाँ पे इसके साथ में मिलेगा t इक्वल टू k प्राइम बाय k और साथ में c बाय a और इनके मोड का स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यू अपने को मिलेगी किसकी, ट्रांसमिशन कोफिशिएंट के लिए। ठीक है, फिर से बता देता हूँ, ट्रांसमिशन कोफिशिएंट एस टी और एस आई, एस टी अपने पास ये रहा जहाँ पे क्या है अपने पास के प्राइम है। ठीक है, के प्राइम और एस आई में के है, बाकी टर्म तो कैंसिल हो जाएंगे, ऊपर के प्राइम बचेगा, नीचे के बचेगा, ऊपर सी के मोड का स्क्वायर, नीचे ए के मोड का स्क्वायर, वो हमने यहाँ पे लिख दिया। अब अपने को यहाँ पे सी बाय ए की वैल्यू पता करनी है। ठीक है, और रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट में बी बाय ए की वैल्यू पता करनी है और यहाँ पे के प्राइम बाय के, इन दोनों का रेशियो निकालना, के प्राइम की वैल्यू हमने यहाँ पे ये लिख रखी और के की वैल्यू हमने यहाँ पे ये लिख रखी, तो आप एक बार इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद हम इन दोनों की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है,
तो आई होप आपने ये उतार दिया होगा। मैं इधर से ये वाला जो पोटेंशियल है इसको साफ कर देता हूँ, इसकी वैल्यू निकालता हूँ। अब हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं किसका, बाउंड्री कंडीशन का। बाउंड्री कंडीशन का यूज करके हम इनकी रेशो निकालेंगे। तो नाउ वी आर यूजिंग बाउंड्री कंडीशन, ठीक है। नाउ वी आर यूजिंग बाउंड्री कंडीशन, बाउंड्री कंडीशन। अब बाउंड्री कंडीशन निकालने से पहले एक सेकेंड, हाँ, अब बाउंड्री कंडीशन अगर हम यहां पे निकाले तो बाउंड्री कंडीशन कहां पे आएगी, जो साई फर्स्ट है वो x इक्वल टू जीरो पे और साई सेकेंड x इक्वल टू जीरो पे क्या लिख सकते हैं, हम इक्वल लिख सकते हैं। मीन्स ये वाला जो पोटेंशियल है, इस पोटेंशियल के ऊपर जो दोनों वेव फंक्शन है वो क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। तो यही अपने पास क्या रहेगी, यहाँ पे बाउंड्री कंडीशन रहेगी। हम यहाँ पे लिखेंगे जो साई फर्स्ट है ये x इक्वल टू जीरो पे और ये इक्वल रहेगा साई सेकेंड के किस पॉइंट के ऊपर, x इक्वल टू जीरो पे, ठीक है। मीन्स ये वाली जो लाइन है, ठीक है, पोटेंशियल वाली जो लाइन है, इस लाइन के ऊपर जो फर्स्ट रीजन और सेकंड रीजन है इन दोनों के वेव फंक्शन क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे, ठीक है। वही हमने यहाँ पे लिखा है। अब अगर वेव फंक्शन इक्वल है तो इनका जो फर्स्ट डेरिवेटिव आएगा वो भी क्या रहेगा, एक दूसरे के इक्वल रहेगा। तो डेरिवेटिव वाले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, कर्ली साई वन बाय कर्ली एक्स और ये एक्स इक्वल टू जीरो पे बराबर रहेगा किसे, कर्ली साई सेकंड y करनी x और ये x इक्वल टू जीरो पे क्या रहेगा, इक्वल रहेगा, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं किसकी, इन दोनों की बात करूं, तो इंसिडेंट पार्ट में क्या है अपने पास, इंसिडेंट पार्ट ऑफ वेव फंक्शन कहां है, ये रहा इक्वेशन नंबर सेकंड। यहां से क्या मिल जाएगा, a और b मिल जाएगा। रिफ्लेक्टेड में क्या है अपने पास, रिफ्लेक्टेड में c मिल जाएगा, ठीक है। तो यहां पे अपने को मिल जाएगा इंसिडेंट वाले में, इसकी बात कर रहा हूं मैं, तो ये आ जाएगा a प्लस b और इक्वल टू में क्या मिलेगा, d मिलेगा। इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन नंबर कहां तक आ गए थे आपको, थ्री, और इसको हमने बोल दिया इक्वेशन नंबर फोर, ठीक है। अब अगर मैं इसका इनका डेरिवेटिव करूं, तो इनका मैं डेरिवेटिव करूंगा तो यहाँ पे क्या होगा, जो ए की पावर में जो टर्म है वो क्या आ जाएगी, आगे आ जाएगी। तो साई फर्स्ट का अगर मैं एक्स के रिस्पेक्ट में करता हूं तो अपने को क्या मिलेगा, ये मिल जाएगा ए और आयता के ए, ठीक है, उसके बाद प्लस माइनस और आयता के बी, और ये तो किसका है, फर्स्ट का। अब अगर मैं सेकंड का करूंगा तो सेकंड कहाँ है अपने पास, ये रहा, ठीक है। अब अगर मैं इसका डेरिवेटिव करता हूँ किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में, तो e की पावर आयता अपने को आगे मिल जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा अपने पास, ये मिलेगा अपने को आयता के प्राइम और साथ में c, एक ये वाली इक्वेशन अपने पास आ जाती है, ठीक है। अब इन दोनों इक्वेशन को, ये इक्वेशन 4 और एक ये वाली इक्वेशन, ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर स्टार बोल देता हूं अभी। अब इन दोनों इक्वेशन को थोड़ा सा सिंपलीफाई करेंगे, इक्वेशन नंबर स्टार को थोड़ा सिंपलीफाई कर देता हूं, सिंपलीफाई करके फिर मैं a और b की वैल्यू यहां से निकाल लूंगा, ठीक है। अब सिंपलीफाई क्या करते हैं, अगर मैं यहां से इन दोनों में से आयता कॉमन निकाल के यहां से आयता क्या कर सकता हूं, कैंसिल कर सकता हूं, तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास, ये आ जाएगा इसमें से आयता की और आयता की को मैं निकाल दिया तो क्या जाएगा, ये आ जाएगा आयता की मैंने बाहर निकाल दिया तो बचेगा a माइनस b और इक्वल में आयता के प्राइम और c, इस आयता से ये आयता क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। कैंसिल होने के बाद क्या हो जाएगा, इसको साफ कर देते यहाँ पे, ठीक है। अब क्या करते हैं, यहाँ से c की वैल्यू निकाल देते हैं, c की वैल्यू अगर मैं निकालूंगा यहाँ से तो इसके प्राइम को उठा के उस तरफ लेके चला जाऊं तो ये आ जाएगा k बाय k प्राइम और a माइनस b और इक्वल टू क्या आ जाएगा अपने पास, c आ जाएगा, ठीक है। और इसी को हमने बोल दिया, इसको हमने नाम दिया इक्वेशन नंबर कहां तक आए थे, फोर्थ तक, इसको हमने बोल दिया इक्वेशन नंबर फाइव, ठीक है। एक सेकेंड, हाँ ठीक है, इतना बिल्कुल सही कैलकुलेट किया है। उसके बाद इसको अगर आगे सोल्व करें तो यहां से किसकी वैल्यू निकाल लेते हैं हम, a माइनस b की अगर मैं वैल्यू निकालूं तो k बाय k प्राइम को इस तरफ ले आऊं, ये आ जाएगा
ए माइनस बी, ठीक है, के बाय के प्राइम को मैं इधर लेके आता हूँ तो क्या जाएगा, के प्राइम बाय के इनटू में क्या जाएगा अपने पास सी, इसी को मैंने बोल दिया इक्वेशन नंबर 5A, 5A, ठीक है। अब अपने को किसकी वैल्यू चाहिए, अपने को इनिशियली वैल्यू चाहिए b बाय a की, ठीक है। अब जो b बाय a की वैल्यू हो वो हम कहां से निकाल सकते हैं, अब अगर मैं इक्वेशन नंबर 4 और इक्वेशन नंबर 5 को मैं ऐड करता हूं तो यहां से अपने पास इसकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, ऐड नहीं सबट्रैक्ट करना पड़ेगा अपने को, ठीक है, तो अपने पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो आप एक बार इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद आगे सॉल्व करते हैं इसको। मैं इसको यहाँ पे साफ कर देता हूँ इसको आगे सॉल्व करने के लिए। टॉपिक थोड़ा सा लेंथी है पर मुश्किल नहीं है, आसान है, तो हम यहाँ पे करते हैं इक्वेशन 5, इक्वेशन 5 माइनस इक्वेशन 4, ठीक है। इक्वेशन 5 कौन सी है अपने पास, ये वाली, मैंने यहाँ पे लिखा k by k prime और a माइनस बी, ठीक है, और यहाँ पे क्या है c और वहां पे क्या है d, तो इक्वेशन नंबर ये d, एक सेकंड, c आएगा यहाँ पे, ठीक है, तो हमने जीरो कर दिया था तो यहाँ पे क्या आएगा अपने पास c आएगा, सॉरी यहाँ पे आएगा c। अब अगर मैं 4 और 5 को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ये जो लेफ्ट राइट हैंड साइड है ये क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी, ठीक है, माइनस में क्या बच जाएगा अपने पास, यहाँ पे बचेगा a माइनस a प्लस b और राइट हैंड साइड कैंसिल हो गई तो ये इक्वल में कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, ठीक है। इसको अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ a के साथ और b के साथ, तो ये आ जाएगा k बाय k प्राइम, a के साथ मल्टीप्लाई किया माइनस k बाय k प्राइम, b के साथ मल्टीप्लाई किया माइनस a और माइनस को अंदर लेके जाऊंगा तो ए बी माइनस और बी भी किसका आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से इसमें से और इसमें से ए कॉमन निकाल लेता हूँ, अगर मैं ए को यहाँ से कॉमन निकालूंगा तो क्या आ जाएगा मेरे पास, ए को कॉमन निकालूंगा तो ये ए को तो मैंने बाहर निकाल दिया, क्या बचेगा के बाई के प्राइम और यहाँ पे कितना बच जाएगा माइनस वन बच जाएगा, ठीक है। अब ये वाली जो टर्म है और इसमें से बी कॉमन निकाल लेता हूँ, बी कॉमन निकालूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस बी को बाहर निकाल लिया के बाय के प्राइम और माइनस कितना बचेगा, इसको प्लस ही रखते हैं, माइनस ये इनमें से बाहर निकाल लेते हैं, यहाँ से प्लस कितना बचेगा वन और ये माइनस का साइन यहाँ पे इक्वल टू क्या आ जाएगा अपने पास, जीरो आ जाएगा, ठीक है। तो बी वाले में क्या है प्लस वन है, ए वाले में क्या है माइनस वन, एक जो माइनस वाली टर्म है इसको उठा के इक्वल टू के साइड से उस तरफ लेके चला जाता हूँ, उस तरफ लेके जाऊंगा तो क्या आएगा, ये इस तरफ आगे प्लस की हो जाएगी, ये आ जाएगा a k by k prime और माइनस वन, इस तरफ जाऊं लेके जाऊंगा तो प्लस का हो जाएगा b k by k prime प्लस वन, ठीक है। अब यहाँ से हम किसके वैल्यू निकाल सकते हैं, b by a का वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं, तो b by a की वैल्यू अपने को चाहिए, तो इस a को मैं उठा के उस तरफ लेके चला जाता हूँ और इस टर्म को उठा के मैं उस तरफ लेके चला जाता हूँ, तो अपने पास जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी b, एक सेकेंड, b by a और इसका एलसीएम लेके अगर इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे वन कर देते हैं इन दोनों का मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई ये क्या आ जाएगा अपने पास k माइनस k प्राइम और डिवाइड बाय क्या मिलेगा अपने को k प्लस k प्राइम। अब ये कैसे लिखना है इसको मैं थोड़ा सा सोल्व करके बता देता हूँ, मैं इसको साफ कर देता हूँ यहाँ से, ये वाली इक्वेशन क्या है अपने पास, ये है a और इनटू में k बाय k प्राइम और माइनस वन है, ठीक है, डिवाइड बाय वन कर लेता हूँ कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये किया मैंने, इन दोनों की मल्टीप्लाई करूंगा नीचे क्या आएगा k, इन दोनों की मल्टीप्लाई करूंगा क्या आएगा k और इन दोनों की मल्टीप्लाई करूंगा क्या आएगा k प्राइम आएगा, ठीक है। इस टाइप से हम इन दोनों को सोल्व कर सकते हैं।
तो अब यहाँ से अपने को किसकी वैल्यू मिलेगी, बी बाई ए की वैल्यू हमने यहाँ से निकाली। अब ये जो बी बाई ए की वैल्यू हमने निकाली है वो हम कहाँ पे पुट करेंगे, जो ट्रांसमिशन कोफिशिएंट हमने निकाले थे, ट्रांसमिशन कोफिशिएंट क्या आए थे अपने, सॉरी जो रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट आए थे वो क्या आए थे, ये था बी बाई ए के मोड का स्क्वायर। तो यहाँ पे ये बी बाई ए की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करूंगा, यहाँ पे पुट करने के बाद अपने पास क्या आ जाएंगे, रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट आ जाएंगे। अब एक बार थोड़ा सा ट्रांसमिशन कोफिशिएंट के ऊपर भी बात कर लेते हैं, ये वैल्यू यहाँ पे पुट करके रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट निकाल ही लेते हैं, आर इक्वल टू क्या आ जाएगा, बी के माइनस के प्राइम डिवाइड बाई के प्लस के प्राइम, इसके मोड का स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा अपने पास, रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट आ जाएगा। ठीक है, अगर इसको थोड़ा और सिंपलीफाई करूं तो के को इसमें से कॉमन निकाल लेता हूं, तो ये आ जाएगा 1 माइनस के प्राइम बाय के, ठीक है, और ये आ जाएगा 1 प्लस के प्राइम बाय के, ये अपने पास क्या आ जाएंगे, रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट आ जाएंगे। अगर और ज्यादा सॉल्व करना हो तो अपने पास के प्राइम की वैल्यू भी है और के की वैल्यू भी है, के की वैल्यू क्या आई थी अपने पास, के की वैल्यू थी 2ma/h2√, ठीक है, और k प्राइम की वैल्यू क्या थी अपने पास, 2m/h2e-b0, ये अपने पास किसकी वैल्यू थी, k प्राइम की वैल्यू थी। तो इन दोनों का रेशियो लेके मैं यहां पे पुट कर सकता हूं, तो अपने पास कंप्लीट रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट की वैल्यू निकल के आ जाएगी। ठीक है, तो आई होप आप रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट निकाल सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं किसकी, ट्रांसमिशन कोफिशिएंट की। तो ट्रांसमिशन कोफिशिएंट पे चलने से पहले आप एक बार रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट को उतार लीजिए, फिर ट्रांसमिशन कोफिशिएंट की बात करते हैं। तो आई होप आपने ये उतार लिया होगा। ठीक है, अब इसको मैं साफ कर देता हूँ, रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट की, ट्रांसमिशन कोफिशिएंट की बात करते हैं। ट्रांसमिशन कोफिशिएंट निकालने के लिए हम फिर से किसका यूज करेंगे, इक्वेशन 4 का और इक्वेशन नंबर 5a, ये वाली इक्वेशन का यूज करते हैं, दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं। ठीक है, दोनों इक्वेशन को जब ऐड करेंगे तो क्या आएगा, एडिंग इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन 4 प्लस इक्वेशन 5a। ठीक है, इक्वेशन नंबर 4 क्या है अपने पास, a प्लस b है, लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड ऐड करता हूं, तो ये रही, ये आ जाएगा अपने पास 5a, ये रही, ऐड करता हूँ a माइनस बी। ठीक है, और इक्वल टू में राइट हैंड साइड में राइट हैंड साइड ऐड करता हूँ c, और यहाँ भी क्या है प्लस k प्राइम बाय k और इनटू में क्या है c। ठीक है, इनको ऐड करते हैं तो क्या आएगा, यहाँ पे इस b से ये b कैंसिल हो जाएगा, क्या मिलेगा 2a, और राइट हैंड साइड में क्या मिल जाएगा अपने को, इसमें से और इसमें से c कॉमन निकाल लेता हूँ, तो क्या बचेगा 1 प्लस k प्राइम बाय k और इनटू में क्या मिल जाएगा c मिल जाएगा। c बाय a का रेशियो निकालना है, c बाय a की वैल्यू निकालनी है, ट्रांसमिशन कोफिशिएंट की वैल्यू क्या थी अपने पास, k प्राइम बाय k और c बाय a के मोड का स्क्वायर, ये वाली तो निकाल सकते हैं क्योंकि अभी हमने लिखा था k प्राइम की वैल्यू क्या हो, k की वैल्यू ये, तो यहां से निकल जाएगा, c बाय a की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो c बाय a इस कंप्लीट टर्म को उठा के इक्वल टू के साथ इस तरफ ले आता हूं, ठीक है, और a को इधर ले आता हूं, तो क्या आ जाएगा c बाय a मिल जाएगा। ठीक है, इसको उधर लेके जाऊंगा तो ये आ जाएगा अपने पास 2 डिवाइड बाय 1 प्लस k प्राइम बाय k, ये अपने को मिल जाएगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा सिंपलीफाई अगर हम करना चाहें तो इसको थोड़ा सिंपलीफाई कर सकते हैं, डिवाइड बाय 1 करके इसका मल्टीप्लाई और इनका मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो ये क्या आएगा, ये मिलेगा अपने को 2k by k plus k prime। ठीक है, ये किसकी वैल्यू मिली हमने को, c by a की, ट्रांसमिशन कोफिशिएंट निकालना है अपने को, ये वैल्यू उठा के यहाँ पे रख देता हूँ, तो t equal to क्या मिलेगा k prime by k, और c by a की वैल्यू ये निकाल रखी है 2k by k plus k prime और इसके मोड का स्क्वायर। ठीक है, ये वाली वैल्यू अपने पास किसकी आ जाएगी, ट्रांसमिशन कोफिशिएंट की आ जाएगी, k प्राइम की वैल्यू पुट कर सकता हूं मैं यहां पे, k की वैल्यू पुट कर सकता हूं, इन दोनों का मोड का स्क्वायर करूंगा तो यहां पे 4 आ जाएगा और इनका स्क्वायर आ जाएगा साथ में k का स्क्वायर भी। ठीक है, तो इस टाइप से हम यहां पे रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट में निकाल के बता सकते हैं।
ठीक है। तो आई होप आपको ये वाला जो टॉपिक है आपको पोटेंशियल स्टेप वाला ये समझ आया होगा। अगर समझ ना आया हो तो आप मैसेज करके या कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।